भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल मुंगेली का 2 दिवसीय अखिल भारतीय प्रशिक्षण शिविर आरंभ हुआ। इस प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि विष्णुदेव साय प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रहे एवं पूर्व सांसद लखन साहू व पूर्व विधायक खोमन साहू की उपस्थिति में मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष साय जी ने कहा कि यह प्रशिक्षण हमारे रीति नीति एवं सिद्धांतों से परिचय कराता है, ताकि हम अपने सिद्धांतों के अनुरूप आचरण करके व्यक्तित्व विकास करते हुए समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सके। भाजपा ने पुराने संघर्षों को देखा है। भाजपा के शासनकाल में जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन 15 साल बहुत सुगमता से चला, लेकिन आज कांग्रेस की सरकार में बोरा का भीख मांगना पड़ रहा है। खरीदी के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है। हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार की विफलताओं को जनता के समक्ष लेकर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी 2023 में भाजपा की सरकार प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ बनाएगी। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का प्रशिक्षण वर्ग चलाने की परंपरा है और अभी पूरे छत्तीसगढ़ में मंडल स्तर का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है और ये 25 नवंबर से शुरू हुआ है। और वैसे तो हम लोगों का प्रयास था कि 20 दिसंबर तक पूरा हो जाए, लेकिन बीच में और भी कई कार्यक्रम, एक तो कृषि संशोधन बिल को किसानों तक ले जाने का काम किया गया और इस कारण से थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, लेकिन पूरे प्रदेश में 405 मंडल हैं तो सभी मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग दिसंबर में समाप्त हो जाएंगे।